हेलो इवन। सो आज की कुछ हॉरर स्टोरीज होने वाली हैं, जो कि कुछ मेरे साथ भी हुई थी, कुछ मेरे फ्रेंड्स के साथ, और एक तो मैंने शायद हो सकता है इंटरनेट से भी निकाली हूँ। सारे इंसिडेंट अब मेरे साथ ही नहीं हो सकते ना, सारे भूत मुझे ही नहीं पसंद करेंगे अब। तो मैं पहला इंसिडेंट सुनाने वाला हूँ। ये एक जहाँ पर मैं स्कूल में पढ़ता था पहले, ये वहाँ की स्टोरी है। वहाँ पर कुछ बच्चे थे, सरकारी स्कूल के बच्चे। सरकारी स्कूल में ऐसा सीन होता है कि बॉयज़ पढ़ मेरा जहाँ मैं पढ़ता था वहाँ सिर्फ बॉयज़ का स्कूल था। उसमें गर्ल्स का मॉर्निंग होता है और बॉयज़ का होता है आफ्टरनून में। शायद मे भी जो दिल्ली से होंगे या गवर्नमेंट स्कूल में पढ़े होंगे उन्हें आइडिया होगा कि हाँ सीन किस तरीके से चलता है। तो मॉर्निंग में लड़कियों का टाइम होता था और आफ्टरनून में लड़कों का। हमारे स्कूल के जो पीछे का एक रोड बोलते हैं, उस रोड पर ज़्यादा घर नहीं है, वो घर खाली रहता है हमेशा। रोड भी खाली रहती है, वहाँ एक घर है वैसे, जो कि ऐसे ही पड़ा हुआ है, कोई रहता नहीं है। मतलब हम जब से वो स्कूल बना है उसके पहले से ही वो घर ना हमेशा वीरान रहा, उसके अंदर ना कोई रहता था ना कुछ, ऐसे खाली पड़ा रहता था। तो एक स्टोरी है इसी के पीछे कि ये बहुत पुरानी बात है, बहुत पुरानी बात कि उस टाइम पर कभी कोई एक रात के टाइम पर औरत गुजर रही होगी या कुछ भी होगा वहाँ पर ऐसा इंसिडेंट। तो उस औरत को चार पांच डाकू या लुटेरे या कुछ भी बोल सकते हो आप, तो वहाँ पर उस औरत को पकड़कर और जो कमरा था बहुत टाइम पहले का उसको वहाँ मार दिया था। चोरी वोरी की होगी यार, जो भी किया होगा। एट द एंड में उस औरत की गर्दन जो है वो एक चाकू से काट कर उसे अलग अलग हिस्सों में फेंक दिया था घर में, एक सर इस तरफ और बॉडी बाकी उस तरफ। तो ये बहुत पुरानी बात थी, तो लोगों का कहना भी था और लोग कहते भी हैं इस चीज़ की। वहाँ पर जो है कभी भी रात के टाइम नहीं जाते, क्योंकि वहाँ पर लाइट वाइट का सीन अभी भी नहीं लगा, जबकि अभी बहुत टाइम हो चुका है। लेकिन उस रोड पर कोई भी अगर लाइट लगती हुई है, अगर गवर्नमेंट की तरफ से या वैसे भी, तो वो लाइट एक रात रहेगी और दूसरी रात वो लाइट ख़राब हो जाती है। ऑटोमेटिक लाइट ख़राब हो जाएगी, प्लस रात के टाइम उस कमरे के अंदर से किसी के रोने की आवाज़ आना बहुत तेज, जैसे कोई रो रहा हो दर्द में हो, ऐसी आवाज़ें वहाँ आती ही हैं और अभी भी आती हैं। और ये काफ़ी टाइम पहले की बात है। तो ये तब की बात थी जब मैं और एक दो तीन फ्रेंड्स हम सब थे। स्कूल टाइम में सारे जो होते हैं थोड़े ऐसे होते हैं दिमाग तेज वाले, गर्म खून वाले, कि चलना ऐसी चीज़ें नहीं होती, हम चलने घूम के आते हैं। तो ठीक है, सबने डिसाइड किया चलते हैं भाई, सब एक रात का प्लान बनाते हैं 7:30 का, सब चलेंगे। ये बात तब की जब मैं 10th में था, और अब तो खैर कॉलेज भी ख़त्म हो चुका है। तो 2015-16 की बात थी। ठीक है, डिसाइड हुआ चलते हैं। हमें पता था कि रात के टाइम वहाँ पूरा अंधेरा रहेगा, वहाँ कोई नहीं रहता, और वो घर ही है जहाँ पर वो आवाज़ें आती रहती हैं। तो हम चार दोस्त थे वहाँ पर, हम सब ने डिसाइड किया 7:30 बजे तक हम सारे के सारे अपने घर से निकले और अपने स्कूल के पीछे वाले एक गली होती है ना, हम गली के नुक्कड़ पे खड़े हो गए सारे के आके कि हम एक साथ ही चलेंगे। हम सब ने वेट किया, दो तीन फ्रेंड्स आने वाले थे, सब आ गए। तो फिर देन हम सब ने जाना स्टार्ट किया वहाँ पर ना। वैसे स्टार्टिंग में दो तीन आंटियाँ थी जिन्होंने बोला कि तुम इस टाइम इस रोड से कहाँ जा रहे हो, क्योंकि आंटी को ही पता है वहाँ क्या सीन है, किसी की आवाज़ आती रहती है, और जो भी अभी तक उस जगह से जाते हैं तो उन्हें आवाज़ आती भी और बंदे डरते भी हैं। तो औरतों ने पूछा भी था कि बेटा यहाँ कहाँ जा रहे हो, यहाँ तो ठीक नहीं है जाना वाना। तो मेरे एक दोस्त ने बोल दिया कि आंटी मेरा घर जो है यहाँ से थोड़ा पास ही पड़ जाता है और ये शॉर्टकट पड़ेगा मेरे लिए, तो इसलिए हम सब जा रहे हैं, और हम चार लड़के भी हैं तो शायद हमें इतनी दिक्कत भी नहीं होगी आंटी। तो आंटी ने भी कुछ नहीं बोला क्योंकि आंटी जानती भी नहीं थी, वो तो आंटी ने कैजुअली बोल दिया कि ये रास्ता ठीक नहीं है बस। ठीक है, हम सब चले आगे। आगे चलने के बाद से एक फ्रेंड था जो बहुत फट्टू होता है ग्रुप में, हर कोई बंदा होता है फट्टू, तो उसने पहले से उसका बोलना शुरू हो गया, भाई नहीं जाते यहाँ से, मुझे गलत लग रहा है, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। और ये जो चीज़ें होती हैं ना, नेगेटिव चीज़ें होती हैं, ये उन पर ज़्यादा अटैक करती हैं जो थोड़े से डरते हैं या कमज़ोर दिल के होते हैं, ये चीज़ें उन पर सारा अटैक कर जाती हैं।
लास्ट जो हमारा वट्टू दोस्त है वो सबसे पीछे चल रहे हैं। रास्ते में रोड के जैसे आगे पहुँचे, मुड़ के अंदर की तरफ जैसे हम मुड़े तो जो सबसे पीछे लड़का चल रहा था वट्टू था, उसने चिल्लाना शुरू कर दिया बिना बात कि ओ भाई पकड़ मुझे, पकड़ मुझे, किसी ने पकड़ लिया ऐसा कैसा। हम सब ने पूछा भाई क्या हो गया, क्यों चिल्ला रहे ऐसे। बोला किसी ने मेरे कंधे पे ना हाथ रखा है अभी भाई, मुझे ऐसा फील हुआ। हम सब भी उस टाइम में लगा गया बेवकूफ बना रहा है, क्योंकि ऐसे भी सोच रहा होगा कि हम पीछे वापस चले जाएंगे, आगे ना जाए इसके चक्कर में। उसे हमने अवॉइड करके थोड़ा आगे की तरफ खिसका लिया और बीच में कर लिया ताकि उसे डर ना लगे। अब लास्ट में एक लड़का और था, हम थोड़ा और आगे बढ़े तो जब उस घर के हम जस्ट थोड़ा पीछे की तरफ ही थे, उतने में ही उस जो लड़का था पीछे वाला, उसको किसी के ऐसा लगा किसी ने उसके कान पे फूंक मारी हो। उसने बोला भाई किसी ने फूंक मारी मेरे कान पे। अब इस टाइम तक तो ठीक है, एक बंदे को चलो किसी ने हाथ रख दिया मान सकते हैं, अगले बंदे को भी, और वो बंदा ऐसे भी नहीं है फट्टू, तो उसने बोला किसी ने मेरे कान पे ना फूंक मारी। ठीक है, अब मेरा नंबर था उसके बाद कि उसको आगे करके मैं पीछे आ जाऊँ। मैंने बोला एक काम कर, मैं पीछे आ जाता हूँ, तू भी आगे हो जा, चल कोई बात नहीं, दिक्कत हो सकती है क्योंकि अब आया तो देखेंगे ही कि क्या है क्या सीन नहीं है। अब इस लेवल के यहाँ तक आने के बाद से अब हम उस घर के जस्ट सामने खड़े हैं, जैसे मैं यहाँ उस घर सामने, गेट खुला रहता था उस घर का क्योंकि उस घर के अंदर कुछ चरसे नशेड़े भी होते हैं, तो गेट वेट उखाड़ के ले गए, लोहे वोहे का गेट था तो ऐसे ही होता है। तो मैं खड़ा हुआ था, अब चार दोस्त खड़े हुए घर के सामने। अब पता नहीं क्या किसी के दिमाग में आया कि एक फ्रेंड ने बोला कि जो इसके अंदर जाके आ जाएगा वापस उसके हम उसको मानेंगे कि नहीं, वो बहुत सिलेंडर था उसकी, बहुत बहुत ही बड़ा चंगेज खान 30 मार का बंदा होगा जो अंदर जाके वापस आ जाएगा। ठीक है, अब एक बंदे ने डिसाइड किया, मैं तो मेरी बस की नहीं भाई मैं अंदर जाऊँ। एक बंदा था जो बहुत ही दिलेर बन के चलता था कि अरे चलना कुछ नहीं होता, जो कि सबसे हमारे हम फ्रेंड्स की लिस्ट में सबसे आगे था। ठीक, उसने बोला मैं जाऊँगा और मैं अंदर से वापस भी होके आऊँगा देखो। ठीक है, अब उस हम सब बाहर खड़े हो गए, अंधेरा था हर तरफ, पूरा गली में अंधेरा। ये मान लो वहाँ पर अगर कोई इतने सब किसी की फ़ोन की लाइट भी जल जाएगी ना तो वो भी दिखाई दे जाएगी कि हाँ वहाँ से लाइट है। उस गली में पूरा अंधेरा, हम तीन बंदे अब बाहर खड़े हैं, जो दिलेर बन रहा था वो अंदर गया, एक कदम अंदर रखा उसने। तो जब उसने एक कदम अंदर रखा ना उस घर के अंदर, तो अंदर से ना थोड़े बैट वगैरह जो होते हैं ना उनकी धड़ 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 की आवाज़ शुरू हुई। तो पहले तो वो चिल्लाने लगा ओए कौन है अंदर, ये वो मारूंगा तुझे मार, मुझे पता तू ना सीढ़ी है जर्सी है, ये बोलते बोलते वो एक घर ऐसा था कि जैसे कि मैम ये गेट है, इस गेट के अंदर आओगे यहाँ खुला मैदान है, फिर इसके अंदर लास्ट कमरा है, ऐसा करता उसका ऊपर से खुला हुआ था। कमरे तक पहुँचा, ग्राउंड तक पहुँचा, जय महाराज, जय हनुमान कह के वो अंदर तक चला गया। अंदर जाने के बाद से जस्ट जैसे उसने अंदर वाले कमरे में कदम रखा है उसकी आवाज़ आना बंद हो गई, बिल्कुल बंद ना, उसकी कुछ भी बोलने की आवाज़ नहीं आ रही ना, हम आवाज़ भी लगा रहे हैं विकास, सॉरी उसका हम आनाम भी ले रहे हैं कि ऐसे ऐसे जो भी रोहित रोहित, आवाज़ नहीं दे रहा, रिस्पॉन्स नहीं दे रहा। अब उस कंडीशन में मेरी तो बस की नहीं थी भाई, मैं तो पहले ही बोल चुका, और जो दो बंदों के ऊपर एक तो जिसके कान में फूंक मारी थी और जिसके कंधे पर हाथ रखा था वो भी नहीं जाने वाला था अंदर, तो इस पॉइंट पे मुझे लगा कि अब हमें घर निकल जाना चाहिए और किसी को बड़े को बताना चाहिए इन चीज़ों के बारे में, क्योंकि हम उस टाइम बच्चे थे यार। तो उस लेवल के बाद से पर यह हमें नहीं करना चाहिए, बट हम वहाँ से उसे छोड़ के अकेला और हम आ गए घर पे और हमने घर पे बताया कि ऐसी ऐसी बात है और हम उस गली में गए थे और ऐसा, और जो है रोहित है वो उस कमरे के अंदर ही था, हमने आवाज़ें लगाई बट वो बाहर नहीं आया। ठीक है, फिर यहाँ से हमारे गली में से 4-5 बड़े बड़े लोग जो भी थे बूढ़े पुराने वो हमारे साथ गए घर के बाहर, गए घर के बाहर भी खड़े होने के बाद उस घर से ऐसी नेगेटिव वाइब्स आ रही थी, ऐसी आवाज़ें आ रही थी अंदर से कि कोई चिल्ला रहा हो, कोई बहुत ज़्यादा परेशान हो मे बी, बट हो सकता है वो हमारे फ्रेंड की आवाज़ हो, बट वो एक लेडीज़ की आवाज़ थी जो थी। अब ये गेट के सामने वो सारे खड़े हुए हैं गली मोहल्ले के, लेकिन अब अंदर जाने की हिम्मत भी किसी की नहीं है कि कोई
अंदर चला जाए और हिम्मत करके हमारे माइक पंडित जी हैं पंडित मिश्रा, मिश्रा पंडित जी। तो मिश्रा पंडित जी आए, उन्होंने बोला, फिर वो आगे की तरफ गए, उनके पीछे चार पांच लोग गए, हम अंदर नहीं गए क्योंकि हम छोटे थे। तो बड़े बड़े लोग अंदर गए, तो फिर वहाँ से हमारा जो रोहित था उसे उठा के लेके आए बाहर, बेहोश हुआ, बेहोश हो रखा था उस टाइम पर, तो उसे उठा कर लेके आए और बाकायदा घर वर पे ले गए उसे। घर पे ले जाने के बाद पानी वानी डाला उसके ऊपर, फिर उससे पूछा कि क्या हुआ, तू बेहोश कैसे हो गया और कैसे क्या सीन था सारा। तो फिर उसने बताया कि मैं जब करके अंदर वाले ग्राउंड में पहुंच गया मैं, तो मुझे उस टाइम किसी की ना आँखें दिखी उस कमरे के अंदर, कि उस कमरे में कोई बैठ के उसे देख रहा है, उसे ऐसा फील हुआ। लेकिन तब भी शर्त वाली बात थी और ये चीज़, इसी चीज़ के चक्कर में उसने हनुमान हनुमान का नाम लेके वो अंदर चला गया। और जस्ट जैसे ही वो उसने कदम अपना उस गेट के अंदर रखा, अंदर वाले जो कमरे के अंदर था, एट द एंड उसके सामने से कोई ऐसे आया और सीधा किसी ने टक्कर मारी या कुछ भी, उसके बाद उसको कोई होश नहीं था, बेहोश मिला हो जब मिला, उसने सब बता दिया। अब ठीक है, जो चीज़ हो गया, पर थोड़ी डांट वाट भी पड़ी कि तुम्हें नहीं जाना चाहिए ऐसी जगह पे, किससे पूछ के गए थे तुम, ये वो, सुन ली डांट, ठीक है, सब नॉर्मल हो गया। बट अब यहाँ से चीज़ें शुरू हो गई उस लड़के के साथ जो हमारा दोस्त था रोहित। एक दिन हो गया स्कूल नहीं आया, दो दिन हो गया स्कूल नहीं आए, तीन दिन हो गया स्कूल नहीं आए, स्कूल नहीं आ रहा था वो तीन चार दिन से। फिर हम सब जितने भी तीन बंदे थे, यार हमारी वजह से हुआ ये चीज़ें, सब इकट्ठे हुए और उसके घर पे गए कि पूछ देख के आते हैं कि हाल चल रहा है, स्कूल क्यों नहीं आ रहा। घर पे गए, उसके मम्मी से बात की उसके, तो उसकी मम्मी ने बताया, पता नहीं बेटा ये कमरे में है, अंदर बैठा रहता है, बाहर नहीं आता है कमरे से, और बोलता है जो मुझे खाना वाना जो भी है यहीं पर ला के दो। और उसकी फैमिली थोड़ी ना वेजिटेरियन है, वो नॉन वेज नहीं खाता कभी, तो अब वो नॉन वेज मांगता रहता है कि मुझे नॉन वेज ला के दो, किसी की मुर्गा ला के दो, कुछ चिकन ला के दो, तो ऐसी नॉन वेज चीज़ें मांगता है घर में। उसके पापा ने उसे मारा वारा भी है, लेकिन उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, तब भी वो बोलता रहता है मुझे चिकन चाहिए, बस मुझे चिकन ला के दो, नहीं तो तुम दोनों को रात में ना मैं मार दूंगा, चाकू वाकू मार दूंगा या कुछ भी, तो ये धमकियाँ देता है। तो इसकी वजह से ना उसे घर में एक कमरे में बंद कर रखा है बस। अब तुम लोग बात करो एक बार जाके, क्या पता तुम्हारे बातों से वो ठीक ठाक हो जाए या थोड़ा समझ में आ जाए उसे, ठीक है। हम तीनों कमरे में गए, कुंडी वंडी खोली हमने बाहर से, हम जैसे ही कमरे में एंटर हुए तो हमने देखा कि वो न्यूड पड़ा हुआ है, न्यूड बिल्कुल, मतलब कोई कपड़े नहीं थे उसके शरीर पे, न्यूड पड़ा हुआ है ज़मीन पे वो भी, ठीक है। अब न्यूड पड़ा है तो भाई हमने उठाया कि अरे रोहित क्या हुआ भाई, कैसे तूने लेटा पड़ा है। अब इस पॉइंट पे आने के बाद उसने, एक दोस्त था मेरा जिसने उसे उठाया, अरे क्या हुआ भाई, उसने उसका हाथ पकड़ लिया। अब हाथ पकड़ा तो, और इतनी तेज हाथ पकड़ा कि उस जिस बंदे का हाथ पकड़ा था उसकी चीखें निकल गई वहाँ पर कि ओ बचाओ बचाओ बचाओ, ओ भाई बचाओ बचाओ बचाओ, ये बोलने लगा। जो लेटा हुआ था ना हमारा फ्रेंड, वो एकदम से खड़ा हो गया, होता नहीं अंडरटेकर ही मान लो उसे, एक तरीके से सीधी पोजीशन में आ गया, खड़ा हुआ सीधा, होता नहीं लेटे हुए मैं पीठ के बल खड़े हो जाना, वैसे खड़ा हुआ बंदा। और उसे देख के बोलने लगा कि तू ही है ना, तूने मुझे वहाँ छोड़ दिया था अंदर और मैं अंदर चला गया था, मतलब तुम लोग बाहर खड़े हुए थे, तो गुस्से में मैं चिल्लाने लगा कि तुम्हारी वजह से हो रहा जो भी हो रहा है, तुम्हारी वजह से मेरे को ऐसा लगता है कि मेरे ऊपर ना कोई सा या कंधे पे कोई बैठा हुआ है और वो मेरे बार बार ना सर को दबा रहा है और बोलता रहता है कि जब तक तू मुझे नॉन वेज ला के नहीं देगा या नंगा नहीं सोएगा तब तक मैं तेरा ऐसी जो सर है दबाती रहूँगी, और बोलता मेरे सर में बहुत दर्द होता है, सब चीज़ें से उसने बताना शुरू किया फिर हमें, ठीक है। और बोलता रात में जो है उसे बहुत डरावनी आवाज़ें आती हैं उसके खुद के कमरे से, उसे ऐसा लगता है कि एक औरत जो है उसके सामने खड़ी हुई है जो कि जिसकी गर्दन नहीं है, और वो बस रो रही है बैठ के कोने में, कभी बैठ जाएगी वो रोती रहेगी, कभी खड़ी हो जाएगी उसके सामने आके उसे देखती रहेगी ऐसे मुंडी करके, और फिर बैठ जाएगी वहाँ जाके। बताया उसने हमें ये सब चीज़ें, और हमें पता था कि वहाँ सीन क्या था उस घर में, कि ऑलरेडी किसी की मौत हो रखी थी एक औरत की। हमने ये सब चीज़ें उसकी मम्मी को बताई क्योंकि हमें लगा कि उसकी मम्मी को पता नहीं सारा ठीक रहेगा। हमने ये सारी चीज़ें उसकी मम्मी को बताई कि ऐसी ऐसी बात है आंटी, और
किसी पंडित के पास दिखवाओ या किसी अच्छी जगह इसके लेके चलते हैं, वहाँ शायद इसका थोड़ा इलाज ठीक हो जाए। बट हाँ, उसकी मम्मी भी उस लेवल उस टाइम तक समझ चुकी थी कि ऐसा कुछ है। तो उसकी मम्मी ने मेहंदीपुर बालाजी है उसको तब वहाँ लेके गए थे। उसके बाद से फिर वो नॉर्मल हुआ और आज की डेट में तो कोई दिक्कत नहीं है उसे। बट वो बताता है कि भाई उस इंसिडेंट में ना वो औरत जो है ना बहुत ज़्यादा डरावनी थी। काली साड़ी पहन के रखी थी उसने, उसकी मुंडी नहीं थी, और वो जब भी आती थी ना तो उसके पायल की आवाज़ आना, पूरे कमरे में शांति हो जाना एकदम से, और एक डर का माहौल बन जाता था उस टाइम तक। तो ये सब चीज़ें उसने मुझे हमें बताई थी ठीक होने के बाद से भी। तो ये थी एक मेरी फ्रेंड की स्टोरी जो मेरी खुद के रियल फ्रेंड के साथ हुई थी। तो आई होप आपको स्टोरी पसंद आई होगी। तो मेक श्योर मिलते हैं आपको फिर हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक।